चलो फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो हमारे जो सब्जेक्ट जो चल रहा है, जो लिंग विद्यालय समाज, और इसमें आप पढ़ रहे हैं लिंग पूर्वाग्रह के प्रभाव। जो लिंग पूर्वाग्रह होते हैं, क्या क्या जेंडर बेस के इफेक्ट रहते हैं, आप देखो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। सबसे फर्स्ट आता है लिंग पूर्वाग्रह के शैक्षिक प्रभाव। शैक्षिक प्रभाव के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जो एक शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी प्रभाव एक लिंग के माध्यम से देखे जाते हैं, तो एक दूसरे के पक्ष विपक्ष या प्रीत की जो बातें होती है एक बालक और एक बालिका के में आप देखते हो, तो इसमें शैक्षिक दृष्टि से काफ़ी अंतर मिलता है। जैसे एक बालक को अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाते हैं उसके पेरेंट्स, जबकि एक बालिका को अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है। एक बालक को जैसे हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं तो बालिका है उसको हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें एक नौकरी का कारण होता है। तो आप देखते हो कि जैसे बच्चे होते हैं उनको तो आप उच्च शिक्षा नौकरी के लिए उनको उच्च शिक्षा दिलाते, जबकि बालिकाओं को ऐसी स्थिति नहीं होती है। उसके साथ साथ आप देखते हो समाज के द्वारा बच्चों को तो प्रोत्साहन किया जाता है, जबकि बालिकाओं को ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस शैक्षिक प्रभाव के अंतर्गत आते, इन सब को हमें देखने को मिलता है। उसके साथ अब आता है लिंग पूर्वाग्रह का सेकंड पॉइंट आता है जो राजनीतिक प्रभाव। आप देखते हो कि हर क्षेत्र में हर किसी चीज़ का प्रभाव अवश्य रूप से हो, चाहे कम या ज़्यादा वो हो सकता है, लेकिन हमको ये प्रभाव सारी चीज़ों में देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देखते हो कि राजनीति जो इलेक्शन जिस जिस क्षेत्र में होते हैं उसमें स्त्रियों को इलेक्शन या चुनाव लड़ने का मौका कम दिया आता है, जबकि जेंट्सों के लिए अधिकता या बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। लेकिन क्या है कि हमारा जो संविधान है उसमें जेंट्स और उसके लिए कुछ सीटें स्थाई हैं, आरक्षित हैं, तो उन सीटों पर जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं उन पर महिलाएं इलेक्शन लड़ सकती हैं, जबकि उनको पहले किसी प्रकार का कोई इलेक्शन या इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता था। और भी अन्य काफ़ी चीज़ें होती हैं और जो कि जो वर्तमान समय है जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष दोनों के बीच में कितना फर्क रहता है, कितना प्रभावशाली क्षेत्र, वो भी हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ और भी अनेक ऐसी बातें हैं जो एक राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे का करती हैं, कि जेंट समझते थे कि हमें पूरे राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। स्त्री भी जेंट्सों से पीछे नहीं है। हमारे देश के कोई भी पद क्यों ना हो, राजनीति के क्षेत्र में छोटे से छोटे पद से लेकर और बड़े से बड़े पद तक हमारे जो देश की स्त्रियां हैं उन्होंने सारे पदों पे अपनी दाग माई है, सारे पद उन्होंने अपने उससे जीते हैं, ट्रेंड किए हैं। उसके साथ साथ अगला पॉइंट आता है सामाजिक क्षेत्र में लिंग पूर्वाग्रह का
वाह, आप देख तो प्रत्येक क्षेत्र में हर चीज का वाह आवश्यक रूप से हमें मिलता है। तो सबसे पहले तो सामाजिक जो क्षेत्र है, अपना समाज है, उसमें स्त्री को पूर्ण अधिकार एक उसकी तुलना प्राप्त नहीं होते हैं। आप देख तो एक जेंट्स के पास सारे अधिकार रहते हैं, जबकि एक लेडीज के पास इतने पूर्ण अधिकार नहीं होते हैं जितने कि एक जेंट्स के पास होते हैं। उसके साथ साथ जो भी कोई अपने घर के या परिवार के जितने भी कार्य होते हैं, उनमें स्त्री की स्त्री का सहयोग कम रहता है और जेंट्स का ज़्यादा रहता है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ आर्थिक स्रोत, आप देखो जेंट्स घर का कार्य करने का जो भी कार्य होते हैं, जेंट्स आर्थिक उनको सबको जेंट्स करते हैं, तो स्त्रियों के पास आर्थिक रूप से भी उसका कोई उनको फायदा नहीं मिल पाता, उनका दुरुपयोग होता है। उसके साथ जो समाज है उसमें भी स्त्री पुरुषों के बीच में भेदभाव की स्थिति बढ़ने को देखती है कि भाई ये सारे कार्य करने के लिए समाज के जेंट्स या अच्छे हैं कि स्त्रियाँ कुछ नहीं कर सकती, एक और का वो है। उसके साथ साथ जो समाज की क्या स्थिति है, क्या हमें करना चाहिए, क्या पहले हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया, इस सब चीज़ का हम एक जेंट्स अच्छे से ध्यान रख सकता है, जबकि स्त्री इन सब चीज़ का ध्यान नहीं रख सकती। तो ये काफ़ी चीज़ें के कारण सामाजिक क्षेत्र में भी लिंग पूर्वाग्रह का प्रभाव देखने को मिलता है। ये तो यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी इसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है जेंडर रूढ़िवादिता। लॉक खोल कर फोन करके ये कह देगा आधे घंटे बाद कर लेगा। तो आप बात कर ले। तो आप देख रहे हो बच्चों के आप अपन जो जेंडर की जो रूढ़िवादिता है भाई कि एक जेंडर एक लेंगे समाज में क्या भेदभाव, क्या अंधविश्वास, क्या जो उसकी एक दूसरे की परंपरा है जो ले आ रही हैं, तो वो सब चीज़ें एक जेंडर एक ये कोई जो जेंडर रूढ़िवादिता है ये कोई एक छोटी वो नहीं है, पूर्ण विश्व स्तरीय चीज़ है। तो इससे आप इस चीज़ को नहीं देख सकते हो कि विश्व के सारे देशों में लगभग लगभग एक जेंडर रूढ़िवादिता अवश्य रूप से पाई जाती है। फर्क इतना है कि भाई किसी देश में ज़्यादा है किसी में कम है। तो इस चीज़ को हम देखते आ रहे हैं। तो हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, उसमें एंशियंट काल से लेके और वर्तमान जो स्थिति है उस तक ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इसमें आप देखते हो जो जेंडर जो
जो जेंडर उड़ेवा देता है, जैसे जैसे लोग बढ़े हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो जेंडर की जो रूढ़िवाद देता है वो हमारे दिमाग में या हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल कारण बनते गए हैं। उनकी सोच उसी प्रकार की थी जिससे कि जो जेंडर की रूढ़िवाद देता हमारे सामने को देखने आई है। कुछ मैं पहले की बात है तो इस चीज़ को भी गांव में जो समाज के लोग कहते रहते थे, भाई लड़कियों को कोई नहीं पढ़ाता है, लड़कियों को तो ये घर का काम करना होता है, खेती का काम करना होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि आप वर्तमान स्थिति देख रहे हो, लड़कियां लड़कों से कहीं भी पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं। तो इसकी जो जेंडर रूढ़िवादिता की जो डेफिनेशन परिभाषाएं दिए हैं वो प्रोफेसर एस के दुबे के शब्दों में, या दुबे जी क्या कह रहे हैं उस चीज को अपन इधर उसका रूढ़िवादी था उसका आशय उन सामाजिक गतिविधियों नियमों सिद्धांतों और राम राव से प्रचलन है जिसका कोई वैज्ञानिक तार्किक एवं मानवीय आधार नहीं होता है। जो समाज में
पारस्परिक रूप से प्रचलित प्राचीन काल से वर्तमान समय तक चली आ रही है। आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा वर्तमान समय तक चली आ रही हैं और आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। अब आप इस चीज़ में देखते हो, जो जेंडर की जो परिभाषा है, जो प्रोफेसर एस के दुबे जी ने जो दी है, उसमें अपन देखते हैं रूढ़िवादिता का आशय, जो अपन उसके जो चार हैं, अपन उसके आचार या उनसे सामाजिक गतिविधि नेम जो अपने हर समाज के प्रत्येक अलग अलग होते हैं, सिद्धांत जो अपने प्रत्येक समाज के द्वारा या जिस जिस देश के अनुरूपित उन्होंने अपने जो कुछ सिद्धांत बना रखे उन, और जो परंपराएं एंशियंट काल से जिनका प्रचलन वर्तमान समय तक चला आ रहा है, जो भी कुछ भी परंपराएं होती हैं, जैसे कि अपने देश में बहुत सारे परंपराएं चली आ रही थी तो उनको धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया गया है अधिकतर को, लेकिन कुछ भी अभी और भी जो वर्तमान समय में भी चलते हुए, जिसका कोई वैज्ञानिक भाई, जिसका कोई साइंटिफिक जो कोई कारण हो, वैज्ञानिक रीजन हो, इससे भाई ये हो तार्किक, उसके पक्ष पक्ष विपक्ष के जो कोई तर्क हैं उनका कोई लेना देना किया, जिसका उनका कोई संबंध नहीं होता है उसके साथ, उनका कोई मानवीय आधार, वो सारी कुछ चीज़ें मनुष्य से आधारित नहीं होती है। जो एक समाज में पारस्परिक रूप से एंशियंट काल से लेकर और वर्तमान समय तक चली आ रही हैं और उसके साथ आधुनिकीकरण, वर्तमान में अपन कुछ अच्छा डेवलपमेंट करने का प्रयास या कोशिश करते हैं तो उसके रास्ते में मार्ग में वो बाधा उत्पन्न करती हैं, तो ये चीज़ें क्या होते हैं कि अपन किसी के रास्ते में बाधा डालना, तो ये अपनी एक कंटिन्यूटी कार्य बन गया है कि कोई कच्चा छोटा बड़ा अच्छा बुरा कैसा भी कार्य हो, लेकिन अपन को काम क्या करना है, उसके बीच में बाधा डालना है। तो ये जब हम आगे जो समाज डेवलपमेंट कर रहा है, आगे टेक्निकली या और भी कोई क्षेत्र आ रहा है टेक्नीशियन में, तो उन सब चीज़ों में ये चीज़ें एजुकेशन क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलती, तो ये क्या है कि हमें उस चीज़ को वो करते बाधा उत्पन्न करते हैं, तो जिससे क्या है कि हमारा ये जो क्षेत्र है, कार्य हैं, जो
प्रभावित होते हैं। तो इसके बाद अगली जो परिभाषा है उसको अपन वो दिए श्रीमती आर के शर्मा जी ने, अब अपनी जो सेकंड डेफिनेशन है श्रीमती आर के शर्मा जी के शब्दों में, तो इसमें रूढ़िवादिता का आशय उन सामाजिक व्यवहार से होता है जो पूर्णतः अतार्किक अवैज्ञानिक एवं अमानवीय आधार पर किया जाता है और जिसके मूल में अज्ञानता एवं अंधविश्वासों का समावेश होता है। अंधविश्वासों का समावेश तो अब आप देख रहे हो कि आर के शर्मा जी, श्रीमती आर के शर्मा ने जो कहा है रूढ़िवादिता का उन सामाजिक व्यवहार से होता है कि एक
एक एक रूढ़िवादिता का आशय उस सामाजिक व्यवहार से होता है जो पूर्णतः अतार्किक वैज्ञानिक एवं अमानवीय आधार पर किया जाता है, जिसका कोई अभी अपन पिछला जो डेफिनेशन दिया है इसके दुबे जी का उसमें फट रहे थे कि अतार्किक जिसका कोई तर्क नहीं हो, अवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक एवं मानवीय जिसका कोई भी आधार नहीं हो, अमानवीय न तो कोई मानव का हो न कोई अवैज्ञानिक या नवैज्ञानिक, उनका किसी आधार पर नहीं किया जाता, जिसका मूल अपन देखते हो कोई भी कार्य करता है तो उसका मूल अवश्य रूप से कुछ न कुछ होता है, तो उस जो मूल होता है जिसमें क्या है कि हम क्या सबसे मेन चीज़ होते अज्ञानता एवं अंधविश्वास का उन चीज़ में समावेश होता है, जो रूढ़िवादिता है वो सबसे ज़्यादा किन दो कारणों से ज़्यादा होती है, अंधविश्वास और अज्ञानता, इसी चीज़ से इस चीज़ को ज़्यादा किसी टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था, इसी चीज़ से हमारे जो एक दूसरे पर आधारित थी वो इन्हीं चीज़ों से थी, नहीं तो क्या है कि हमें किसी चीज़ के बारे में ज्ञान था न उसके बारे में पूर्ण जानकारी थी, तो उसके साथ साथ हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं काफ़ी लोग जो एक दूसरे पर क्या करते थे विश्वास, वो जिस प्रकार से कार्य की कहते थे हम लोग उसी प्रकार से कार्य करने लग जाते थे, वो हमारा क्या था अंधविश्वास, हम उसके जो विश्वासों में क्या है अंधे हो रहे हैं, वो सही कह रहा है हमसे गलत कह रहा है, तो इन सब चीज़ों का उसमें समावेश था, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, इनसे जो ये जेंडर रूढ़िवादिता है जो भी कोई भी कारण है जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो इन्हीं दो कारणों से चलते आ रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को अपन यहीं ख़त्म करते हैं और इसके बाद अगली वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे जेंडर रूढ़िवादिता की विशेषताएं, हमें इसमें क्या 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 विशेषता हमें देखने को मिलती हैं, तो उन सब का अपन एक के बाद एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और आज की वीडियो में यहीं पे थैंक यू।